हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर एग्जाम्स। अब देखो तुम्हारे एग्जाम्स कैसे भी गए हो, अब उन्हें जाने दो। इस वीडियो को 3 बच्चे देख रहे होंगे जिनको पता है कि यार मेरा नहीं होगा, दूसरे बच्चे जो कि मेजॉरिटी होंगे कि हो भी सकता है हो जाए, हो भी सकता है नहीं हो, और तीसरे जिनको पता है मेरा हो ही जाएगा। देखो ये वीडियो तीनों बच्चों के लिए रेलिवेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ ना, जो मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, जो एक तुमने अभी तक पढ़ाई करके जो तुमने अपनी अच्छी सी एक हैबिट बना रखी ना पढ़ाई करने की, और मतलब फोकस करने की, वो मेंटेन रखना। 1.5 महीने के अंदर अगर तुम बहुत मतलब ऐसे रिजल्ट तक तुम बिल्कुल छुट्टी पे चले गए ना, तो तुम्हारे को आगे वापस पढ़ाई चालू करने के अंदर, मतलब तुम किसी भी चीज़ की करो उसके अंदर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और ये 1.5 महीना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा अगर तुम मतलब ऐसे भी सोच के गए ना कि चल भाई अभी एक हफ्ता मज़े कर लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। भाई वो एक हफ्ता कब तुम्हारे रिजल्ट तक पहुंच जाएगा ना तुम्हें पता नहीं चलेगा। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस 1.5 महीने को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। एक चीज़ मैं तुम्हारे को अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अपन है ना, तुम्हारे को देखो मान लो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे को पता ही यार मेरा मुश्किल ही हो पास, तुम्हारे को क्या करना है। देखो सबसे मेन चीज़ क्या होती है अपनी लाइफ के अंदर, अपन को सबको सक्सेसफुल होना है, ये सब चीज़ें। अब क्या है, अब अपन बहुत सारी आगे मिस्टेक्स करेंगे और उससे अपन सीखेंगे, ये नॉर्मली चीज़ है। और अपन को तुमने भी पहले सुन रखा होगा कि बुक रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब अपन खुद की लाइफ में जो मिस्टेक करेंगे अपन उससे तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ अगर कोई दूसरा बंदा जो खुद अपनी लाइफ में मिस्टेक करेगा उसकी अपन मिस्टेक देख के सीखेंगे तो अपन ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे। तुम खुद ही सोचो, तुम 60-70 एज पर हो, अब तुम उस एज को इमेजिन करो, तुम उस एज पर हो, तुम्हारे को कितनी सारी चीज़ें पता होंगी दुनिया के बारे में और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में। अब वो तुम एक बुक के अंदर लिख रहे हो और वो बुक तुम खुद को जो तुम 19-20 साल के हो तुम उसे दे रहे हो, तुम्हारे को सोचो क्या मतलब एक लर्निंग मिलेगी और क्या दिमाग में गेन मिलेगा। तो भाई ये है बुक इंपॉर्टेंस, बुक रीडिंग की ताकत, ठीक है ना। अपन बात करेंगे फुल बुक रीडिंग के बारे में। अब तुम सुनो, ध्यान से सुनना, ऐसे लीव मत करना। हो सकता है तुम्हारे पास बुक्स होंगी भी एक दो, लेकिन तुमने आज तक कभी रीड नहीं करी होगी। हो सकता है तुम इस वीडियो को जोश में देखने के बाद कोई बुक खरीद भी लो, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम 2-3 दिन से ज़्यादा उसको रीड करोगे नहीं, तुम बोर हो जाओगे। और तुम सोच रहे हो कि मैं YouTube पे जाके कोई बुक की समरी सुन लूँ, तो भाई बुक की समरी का असली यूज़ बताऊँ क्या होता है। बुक समरी का असली यूज़ होता है कि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि मैं वो बुक पढ़ूँ कि नहीं, ना कि ये कि तुमने सिर्फ वो देख ली तो चलो ठीक है ये बुक का मेरे को मेन चीज़ें पता चल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर तुम YouTube पे तुम बहुत सारी वीडियोज़ देखोगे ना बुक से रिलेटेड, भाई वो लोग सब लोग ऊपर ऊपर से ही बताते हैं बहुत समरी वे में, और वो तुम्हें याद भी नहीं रहेगी। अभी तुमने किसी की समरी देख, पहले भी तुमने किसी की बुक की समरी देखी होगी, अभी मैं तुमसे पूछूँ उसकी लर्निंग मुझे शेयर करो, तुम्हें नहीं पता होगी। बहुत सारे बुक जो सेलर्स हैं जो बुक लिखते हैं वो तो इसलिए लिख रहे हैं बुक ताकि वो बुक बेच के अमीर हो। तुम्हारे को मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो खुद की अगर बुक लिख रहे हैं ना वो बुक होती है एफिशिएंट। अब दूसरे लोग जिनकी बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बुक रीडिंग में चले गए तो तुम्हारे को इजीली हो जाएगा, उसके अंदर भी तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि जिसकी मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो कहीं बुक बेच के अमीर हो रहा है या पहले से वो अमीर है। इन चीज़ों का तुम्हारे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए देखो मैंने एक बहुत ही शानदार सी चीज़ सोची, तुम्हारा बहुत बेनिफिट होने वाला है, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या चीज़ है, मैंने सोचा है कि मैं एक नया चैनल बना लूँगा जिसके अंदर मैं जैसे अपन कोई भी बुक है जैसे तुमने सुना होगा अटोमिक हैबिट्स, उसके अंदर तुम्हारे को बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। मान लेते अभी मैंने देखा नहीं है 10, अपने पास कोई भी बुक अपन ने पढ़ी उसके अंदर 10 चैप्टर है। अब अपन को क्या है, अब तुम YouTube पे जाके बुक समरी देखोगे उनकी क्या है, तुम्हारे को 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर वो एनिमेशन वगैरह क्लिपिंग वगैरह इन सब में ध्यान देते हैं पूरा, उनका एडिटिंग में फोकस होता है, कंटेंट में उनके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए अब क्या होगा, तुम्हारे को जैसे 10 चैप्टर है तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक 10 मिनट की वीडियो की समरी बना के तुम्हारे को दे दूंगा, बिल्कुल ही नहीं, वो तुम्हारे लिए यूज़लेस होगी। एक बुक को कैसे रीड करते हैं ताकि अपन पूरा एफिशिएंटली पूरी नॉलेज अपने अंदर ले सके और उस नॉलेज को अपन यूज़ भी कर सके, सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तो मैं उस वीडियो के मतलब उस चैनल के अंदर पूरी ये चीज़ें बताऊंगा, साथ ही साथ जैसे 10 चैप्टर है ना तो एक चैप्टर पे एक वीडियो, दूसरे चैप्टर पे दूसरी वीडियो, जिसके अंदर मैं भी क्लिप्स वगैरह ऐसे बीच में क्लिप लगाना वो सब ऐड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, बिल्कुल मतलब जो मेरे को लगा यार ये चीज़ें हैं वो मैं एक चैप्टर, मतलब सोचो जैसे 10 चैप्टर है तो 10 वीडियो अटोमिक हैबिट्स के ऊपर, मतलब एक तरीके से अगर तुम वो वीडियोस देख लेते हो तो तुम्हारे को लिटरली बता रहा हूँ फिर नॉलेज मिलेगी। तो ये मैंने सोचा है बुक रीडिंग के बारे में। और बाकी ये चैनल, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ सोची, देखो एक अपन को सक्सेसफुल बनना है
तो ये तो है नहीं सिर्फ अपन को पैसा कमाना है, पैसा तो कमाना है लेकिन उसको कैसे कमाना है, उस हाइट तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए अपन को डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना उनके अंदर अपन को मास्टरी करनी पड़ेगी, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्स के बारे में, मतलब और फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और लिटरली बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा डेली अपनी हैबिट्स वगैरह के बारे में, ब्रेन वगैरह के बारे में। मतलब अगर कोई बंदा बहुत ऊपर लेवल पे बैठा है ना तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका माइंडसेट एक बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे, उसने पहले खुद को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर रखा है उसके बाद वो वहाँ पहुँचा है। तो ये चीज़ है, होपफुली हो सकता है तुम मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा इसके अंदर मैं इस चैनल के अंदर बुक रिकमेंडेशन तुम भी देना, लेकिन मेरे पास उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया बुक्स है जिसके अंदर अपन सारी चीज़ें जो भी होती है ना सेल्स वगैरह के बारे में और मतलब जितनी भी चीज़ें ब्रेन वगैरह, एटॉमिक हैबिट्स वगैरह, मनी के बारे में जो भी बुक्स हैं सारी चीज़ें तुम मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर भी, बुक कौन सी रेफर करनी है। बाकी मेरे पास और मेरी तरफ से भी खूब बुक हैं, लिटरली बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को मज़ा। अब क्या है देखो, उस चैनल को मैं अभी एक दो दिन के अंदर, हो सकता है जब तुम वीडियो देख रहे होंगे तब मैं बना भी चुका हूँगा, इसलिए तुम सिंपली मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर मैं तुम्हारे को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ उसके अंदर तुम ज्वाइन हो जाओ। अगर वो क्लिक नहीं हो रहा तो मैं मेरा पर्सनल का भी दे रहा हूँ उसके अंदर तुम क्लिक करके मुझे मैसेज कर लो कि भाई ग्रुप में ऐड हो जाऊँ, उसके अंदर मैं तुम्हारे को फर्दर अपडेट दूंगा इस चीज़ के बारे में। अगर तुम्हारे को ये चीज़ बढ़िया लग रही है तो तुम्हारा ओपिनियन जरूर से ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये तुम मेरे को बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी कि तुम अगर बताओगे। और हाँ, अगर तुम कोई स्क्रोलर हो कि हाँ भाई मैं तो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हारा डेढ़ महीना जो है ना भाई खतरनाक खराब हो सकता है, या तो तुम स्क्रोलिंग में लग जाओगे या फिर तुम गेमिंग वगैरह करने लग जाओगे, यही होगा टाइम वेस्ट। ठीक है, सो मैं यही चाहूँगा कि उस चैनल को जो फॉलो करेगा, सब्सक्राइब करेगा ना, वो माइंडसेट वाला बंदा होना चाहिए। बाकी अगर तुम रैंडम स्क्रोलिंग वगैरह करना चाह रहे हो डेढ़ महीना, मैं सच बता रहा हूँ, तुम ऐसे सोचोगे ना कि यार मैं तो अभी बहुत पढ़ लिया, अभी मैं थोड़ा 7 दिन रिलैक्स कर लेता हूँ, भाई वो 7 दिन कब तक रिजल्ट तक पहुँच जाएगा तुम्हारे को टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसलिए। और बाकी एक और चीज़ मैं तुम्हारे को, अगर तुम्हारा सच में कुछ है ना कि भाई एक लाइफ में मेरे को बहुत बड़ी चीज़ हासिल करनी है, तो तुम्हारे को सबसे पहले खुद को डेवलप करना पड़ेगा। मैं एक ही चीज़ पे चलता हूँ, अगर दुनिया जीतनी है ना तो सबसे पहले खुद को जीतना पड़ेगा, खुद को फुल कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ेगी, खुद का माइंडसेट और हर चीज़ को कैसे डील करना वो तुम्हारे को आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें, मतलब एक बात है कि मज़ा आ जाएगा, तुम्हारे को फुल नॉलेज मिलेगी। और उस वीडियोस के अंदर उधर मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि तुम्हारे को प्रॉपरली वीडियोस को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बुक तो तुम मेरी भी मान लो वीडियोस की देख लोगे, लेकिन तुम्हारे को वो नॉलेज कब तुम्हारे पास रहेगी, वो चीज़ें मैं तुम्हारे को उस वीडियो के अंदर डायरेक्ट करूंगा कि तुम ये चीज़ें और करो, ये चीज़ें। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारे को, तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम ये 1.5 मंथ्स के अंदर इजीली स्क्रोलिंग करो और गेमिंग करो और जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लो, या फिर तुम सच में नॉलेज सीखने में रहो। मान लो अगर तुम्हारा नहीं हो रहा इस अटेम्प्ट के अंदर और किसी तुम्हारे दोस्त का हो रहा है, वो क्या है, वो नॉर्मली जाके आगे आर्टिकल चेप उसकी चालू हो जाएगी, लेकिन सोचो तुमने इतनी, देखो वो तो अपने सीए से रिलेटेड है सारी चीज़ें, ये अपनी लाइफ से रिलेटेड है जो मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ, माइंडसेट, मतलब जो भी मैं तुम्हारे को नया चैनल बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या है, तुम्हारा मान लो नहीं हो रहा, तुम्हारे दोस्त का हो रहा है, वो आर्टिकल शिप में गया, लेकिन तुम्हारे को अगर उससे भी आगे जाना है ना, तो तुम्हारे को माइंडसेट के लिए अभी से ही चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि अगर तुम उस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, तो भाई तुम एज अ ह्यूमन ब्रेन तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, तुम्हारे को हर चीज़ को अच्छे से डील करना आ रहा है, तो लिटरली तुम्हारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इनसेन लेवल पर हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारी मर्जी है। बाकी और तुम्हारा ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और लाइक कर देना, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ फर्दर अपडेट के लिए। तो यही था इस वीडियो के अंदर।